चलते चलते एक रिव्यू एक और एग्जाम का, टेस्ट का, असिस्टेंट प्रोफेसर का, फिजिकल एजुकेशन का कंपटीशन। 54 पोस्ट्स हैं, 300 कैंडिडेट लगभग अपियर हुए हैं, जैसे दो सेंटर बने थे इनके। जेंडर रेशो मेल ज्यादा है, 60-70% मेल पर्सन हैं। यूजीसी से कंपेयर किया गया है, सिर्फ ये एक ऐसा एग्जाम है जितने मैंने एनालिसिस किए हैं अब तक, जैसे हिंदी, हिस्ट्री, एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, ये हाँ एक केमिस्ट्री का अच्छा था, तो ये इनको नियरली यूजीसी बोला गया है, लेकिन डिफरेंस कुछ पाए गए हैं वो आगे चल के भी बताता हूं। और 10 क्वेश्चन यूजीसी के एग्जैक्टली, नियरली 10 क्वेश्चन एग्जैक्टली रिपीट हुए हैं। नेक्स्ट है, यूजीसी में जो मैच टाइप क्वेश्चन जो थे, इनका कहना है कि वो जो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने यूजीसी भी अभी रिसेंटली दिया है और ये पेपर भी दिया है, वो अच्छी तरह से कंपेयर कर पाए हैं। जो मैचिंग टाइप क्वेश्चन होते हैं, जब वो एक ऑप्शन कहते हैं मिल जाती है तो वो इजी हो जाता है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर के फिजिकल एजुकेशन में मैचिंग टाइप के क्वेश्चन नहीं आए। इट मींस मैचिंग टाइप के क्वेश्चन अगर ज्यादा होते हैं तो आपकी थोड़ी नॉलेज से राइट आंसर पर पहुंचना इजी रहता है। ये पहले भी एक जो रूल रहा है कि एक ऑप्शन आपको पता है, दो पता है, तो उससे आप राइट आंसर आइडेंटिफाई कर सकते हो, लेकिन इनमें मैचिंग टाइप क्वेश्चन नहीं आए। ठीक, वैसे मैचिंग टाइप में शायद मेहनत भी ज्यादा लगती हो। अच्छा, जो नेक्स्ट है कि वेरी डिफिकल्ट, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट जो क्वेश्चन थे वो 10 से 20 क्वेश्चन थे। कुछ लोगों को तो 10 के 10 इन पर, मतलब ये डिफिकल्टी लेवल क्यों निकालता हूं कि इतने, ये रिफ्लेक्शन का एक मेन कॉज है, ये एरिया जो 10 से 20 निकल रहा है कि वेरी डिफिकल्ट है, जहां जिस पर हमें रैंडम गैस लगाना पड़ा। अब रैंडम गैस जिसका ठीक लग रहा है, मान लीजिए 3, 4, 5 पर लग गया, दूसरे का नहीं लगा, इट मीन्स उसकी मेरिट अप चलेगी। हम इस रैंडम गैस को, जहां यहां पर हमारी नॉलेज कोई नहीं है, बड़ी फिर भी थोड़ी लॉजिक लगा के जो गैस लगाना है, लास्ट में हमें रैंडम पर जाना पड़ता है, इस बात को समझ लेना चाहिए। तो रैंडम गैस कई लोगों के सारे ही गलत हुए हैं और कई के 3, 4, 5 ठीक भी हुए हैं, और अगर बाकी के क्वेश्चन उनके इक्वल रखे जाएं तो इसका मतलब है रैंडम गैस इज द मेजर फैक्टर फॉर डिसाइडिंग द मेरिट इन दीज टाइप ऑफ टेस्ट। ओके, अंडरस्टैंडिंग, ये डिफरेंट पॉइंट, सबसे पिछले पॉइंट्स में से डिफरेंट पॉइंट क्या रहा है कि अंडरस्टैंडिंग लेवल के क्वेश्चन 70% तक जा रहे हैं इनके, जैसे बताया गया है। लेकिन एक कैंडिडेट ने तो कहा है कि ये पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट के जैसा था, लेकिन वो मैं इंटरप्रिटेशन नहीं कर सका कि वो क्या कहना चाहते थे। लेकिन इन्होंने क्वेश्चन, मतलब के 70 क्वेश्चन में रीजनिंग जो थी वो चाहिए थी। जब रीजनिंग लग रही है, इट मींस क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन एमसीक्यू इज बेटर। जो पीछे डिस्कस करके आए हैं जितने क्वेश्चन हैं, उनसे फिजिकल एजुकेशन के पेपर सेटर अच्छे हैं, उन्होंने मेहनत थोड़ी की हुई है, ये सामने आ रहा है। अच्छा, एक्सपेक्टेड रेंज क्या है? अभी तक मेरे जितना मेरा डाटा है, इसको जनरलाइज मत कीजिए, 50 से 63 तक रेंज आ रही है। 50 जो मिनिमम जिनकी मैंने इंटरव्यू ली है और 63 हाईएस्ट मार्क्स गए हैं। अच्छा, ये भी है कि जो एक्सपेक्टेशन उन्होंने की थी, जैसे 63 जिनके आए, इन्होंने 80 अपने एक्सपेक्ट किए थे, और ये सभी सब्जेक्ट में पाया गया है कि जितना एक्सपेक्टेशन की गई थी, जैसे एजुकेशन वालों ने तो 90 तक एक्सपेक्टेशन की थी, लेकिन 20 कम आए हैं। इट मींस जिनको आप राइट आंसर समझते हो, एक्चुअल में राइट आंसर नहीं थे। इसके अलावा 1, 2, 3, 4 तक ऑब्जेक्शन लगभग सभी पेपर में हुए हैं। ठीक, इसमें भी ऑब्जेक्शन एक पेपर पर, तो एक क्वेश्चन पर तो हुआ है, 100 नंबर क्वेश्चन है, आप देख सकते हो। मेरे पास अभी यहाँ टाइम लग जाएगा अगर खोलूंगा, 100 नंबर क्वेश्चन है, उस पर ऑब्जेक्शन हुआ है, लेकिन कुछ कैंडिडेट कह रहे थे 2 क्वेश्चन और हैं,
वो ऑब्जेक्शन नहीं कर सके। ये ऑब्जेक्शन पक्का हुआ है 100 नंबर क्वेश्चन पर, एक क्वेश्चन है जो मेरे डाटे में आया है। ठीक, अच्छा, इसके अलावा जो डिस्ट्रीब्यूशन थी, जैसे यूजीसी के पहले बात करें आए हैं, यूजीसी के 10 यूनिट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, क्या हर यूनिट में से 10-10 क्वेश्चन आए? इसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में बोलता हूं। तो डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नियरली रही, लेकिन रिसर्च के क्वेश्चन इन्होंने कहा थोड़े ज्यादा आए, और रिसर्च के क्वेश्चन डिफिकल्ट टू वेरी डिफिकल्ट रहे फिजिकल एजुकेशन के। ट्रेनिंग एक इनका यूनिट होगा, उनमें से रिलेटिवली कम आए, ज्यादा कम नहीं, रिलेटिवली कम। दो क्वेश्चन योगा से आए जो आउट ऑफ सिलेबस ये कह रहे हैं। ठीक, बुक लेवल मैंने पूछा कि प्लस टू लेवल, ग्रेजुएशन लेवल, मास्टर लेवल, जनरली जो रीड की गई है बुक्स वो इन्होंने मास्टर लेवल कहा है। हम पीछे एक पेपर में हम डिस्कस करके आए थे कि हिस्ट्री में शायद एक कैंडिडेट ने तो ये कह दिया कि 6th, 7th, 8th, 9th, 10th लेवल की बुक में से पेपर डाला गया है। ठीक, प्रिंटिंग एरर इसमें कोई नहीं पाएगी, कोई उस पर ऑब्जेक्शन भी नहीं रहा। ठीक, एंट्रेंस लाइक ये बात हो चुकी है। चलो, और फैक्टर क्या रहे इनके के इनकी परफॉर्मेंस पर जो इफेक्ट पड़ा, ये रिफ्लेक्शन है। इससे नेक्स्ट अगर कोई आपने एग्जाम देना है उस इस वीडियो को देख के हम लर्न कर सकते हैं। ठीक, जॉब फैक्टर मेजर रहा कि उनको टाइम कम मिला, जॉब में जाना जरूरत था, इतनी छुट्टियां नहीं ले सकते थे। दूसरी जो सिली एरर्स, उन्होंने कहा कि क्वेश्चन पार्शली आते थे लेकिन उनकी गलती के कारण वो गलत हुए। एक बात याद रखना, जितनी इंटरव्यू मैंने ली है, जितने सब्जेक्ट की ली है, सब ने ये बात मानी है कि उनसे कोई ना कोई एरर हुई है। दो बातें याद रखनी है, एक वेरी डिफिकल्ट जो बात की है कि वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं जहां पर हम रैंडम गैस लगाते हैं, तो वो एक फैक्टर बनता है। देखो, मेरिट में जो लास्ट वाले जो अचीव करने हैं स्कोर, वो एक फैक्टर हो गया अगर रैंडम गैस से करने हैं। इट मींस हमें रैंडम गैस की स्ट्रेटजीज आनी चाहिए। वैसे मैंने उस पर वीडियो दिए भी थे कि रैंडम गैस से लास्ट में कुछ बचते हैं, बेशक टॉपर ही क्यों ना हो, 2-4 क्वेश्चन वो लगाएगा, जिसकी कम नॉलेज है वो 10-12 को लगाएगा, लेकिन हर कोई रैंडम गैस लगाता है, इसलिए हमें उसकी जानकारी चाहिए कैसे लगाना है। देर आर मोर देन 10 स्ट्रेटजी आई हैव डिस्कस्ड इन ए वीडियो। अच्छा, तो दूसरा फैक्टर के जो एरर हम करते हैं। अब नेक्स्ट प्रिपरेशन ऐसी को करनी है तो इसका मतलब है कि नॉर्मली कॉमन जो लोग एरर करते हैं उनको ध्यान में रखा जा सकता है। देखिए, ये मेरी एक तरह से रिसर्च हो रही है, मेरे पास इतना डाटा कलेक्ट हो गया है, इन वीडियो और रिफ्लेक्शन के बेस पर जो क्वालिटेटिव डाटा कलेक्ट हुआ है, जैसे प्याजे ने किया था, चलो यह बात नहीं करूंगा, तो इनको जनरलाइज करके हम नेक्स्ट टेस्ट की किसी की तैयारी करनी है तो हम बच्चों को गाइड कर सकते हैं, कैंडिडेट को गाइड कर सकते हैं कि इनके कारण जो मेरिट के हायर मार्क्स हैं वो कोई खो लेता है, कोई पा लेता है, तो इनका ध्यान रखा जा सकता है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल एक मैंने वीडियो भी निकाला था कि बेशक इजीएस्ट, इजी से इजी क्वेश्चन हो, आपने 4 ऑप्शन पढ़नी ही पढ़नी है, एक रूल बताया था जब ये वीडियो पता नहीं कौन सा है, मुझे याद नहीं है। अच्छा, तो ये जो यहाँ पर जो टॉपर थे उन्होंने ही बताया, देखिए जो सबसे ज्यादा मार्क्स ले रहे हैं उनसे भी गलतियां हो रही हैं, तो हम उनसे सीख सकते हैं। तो वो कहते हैं कि बड़ी इजीली मैंने स्टैम्प पढ़ी और फर्स्ट देखा उसको एकदम टिक लगा दिया। ठीक, वो टीचिंग का क्वेश्चन उन्होंने डिस्कस किया, लेकिन बाद में जब 1, 2, 3 ऑप्शन पढ़ी तो वो गलत निकला। तो इनका पछतावा क्या था कि नेक्स्ट पॉइंट वो बनाया है होगा ये कि सीबीटी बेस्ड क्वेश्चन होता तो मैं उस क्वेश्चन की ऑप्शन को करके क्लियर करके, यूजीसी में आप कर सकते हो क्लियर करके, और नेक्स्ट मैंने ए की जगह सी करना है, सी क्लिक कर दिया। ठीक, तो ये पॉसिबल था, लेकिन ये ऑफलाइन हुए हैं तो इनका इनको नुकसान हुआ है। ये पहले इंटरव्यूअर हैं जो इंटरव्यूई हैं जिन्होंने ऑब्जेक्शन किया कि उस रूम में क्लॉक नहीं था। देखिए, कहते कि हमें वॉच ले जाने के की आज्ञा नहीं थी और वहां पर जो क्लॉक अवेलेबल नहीं था, दैट इज वाई के कैंडिडेट को उसके राइट नहीं मिले। लाइट सिस्टम पुअर था, ये भी उन्होंने बात कही।
और सीबीटी बेस होना चाहिए था, चलो ये सबके साथ सेम है। तो टाइम का एक फैक्टर था कि विद इन टाइम सबका कंप्लीट हो गया था, ठीक। मतलब वो लेंदी स्टेम्स थी वो इस क्वेश्चन में नहीं पाएगी। टोटल अगर इनको दूसरे को पेपर से कंपेयर करें तो अंडरस्टैंडिंग लेवल के क्वेश्चन इसमें ज्यादा आए, जिसके लिए रीजनिंग अंडरस्टैंडिंग और अपना जो है एनालिटिकल थिंकिंग ना लॉजिक पिछली नॉलेज को थोड़ा डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज फाइंड आउट करनी पड़ती है किसी क्वेश्चन को करने के लिए, तो ऐसी एक्सरसाइज करनी पड़ी, ठीक। तो इनको अगर रह करें तो पिछले क्वेश्चन पेपर से जो डिस्कस हुए हैं हिस्ट्री का, हिंदी का, एजुकेशन का, मेरे ख्याल इकोनॉमिक्स का, इनसे ये बेटर रहा है। और जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री का वैसे ज्यादा डिफिकल्ट था, तो ये था। अब दिस वाज अबाउट फिजिकल एजुकेशन सिलेक्शन टेस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट जॉब पंजाब।